इस वीडियो में साथियों हम डिस्कस करेंगे एंजल टैक्स के बारे में। बजट में आपने देख लिया होगा अभी तक कि एंजल टैक्स को अब अबॉलिश कर दिया गया है, तो एंजल टैक्स के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें मालूम होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एंजल टैक्स क्या है। देखिए, अगर आपसे कोई पूछे इनकम टैक्स क्या है तो आप बोलोगे एक ऐसा टैक्स जो कि एक इंडिविजुअल को देना पड़ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि कॉरपोरेट टैक्स क्या है तो आप कहोगे कि ऐसे टैक्स जो कि कॉरपोरेट को बिजनेसेस को देने होते हैं। ऐसे अगर आपसे कोई पूछे कि एंजल टैक्स क्या है, इसको कौन पे करेगा, तो इसको जो स्टार्टअप कंपनीज हैं उनको पे करना पड़ेगा। तो कौन से स्टार्टअप कंपनी? वो स्टार्टअप कंपनी जो कि अनलिस्टेड है। अच्छा, तो फिर ये अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है? तो ये लास्ट लाइन देखिए, अनलिस्टेड कंपनी वो कंपनीज हैं जिनके शेयर जो हैं वो शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए वो अनलिस्टेड कंपनीज हैं। ठीक है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा इस मतलब एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि एंजल टैक्स जो है ये क्या है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है। अब तो अबॉलिश हो गई है, तो ये जो एंजल टैक्स है ये स्टार्टअप कंपनी को देना पड़ता है, ऐसी स्टार्टअप कंपनी जो कि अनलिस्टेड है और उसने मार्केट से अपनी मार्केट वैल्यू से ज़्यादा पैसा उठा लिया है। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा जो एक्सेस फंड इसने रेज किया है उसको हम कंसिडर करेंगे एक इनकम के रूप में और फिर उसमें टैक्स लगेगा। तो अभी तक जो टैक्स रेट था साथियों वो कितना था, 30.9% था, अब तो चलिए खत्म हो गया है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही था साथियों कि इसका मिसयूज़ ना हो सके, ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केसेस ना बन सके और ब्लैक मनी ना जनरेट हो, ये मेजर इसके पीछे ऑब्जेक्टिव था इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले। जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था तो ये सिर्फ और सिर्फ किस पे एप्लीकेबल होता था, अगर इन्वेस्टमेंट अगर लोकल इन्वेस्टमेंट ही करें, मतलब इंडियन इन्वेस्टर ही किसी स्टार्टअप में पैसा लगाए, तब एंजल टैक्स जो है वो अट्रैक्ट होता था। लेकिन बाद में अगर हम बात करें 2023 में इसको एक्सटेंड कर दिया गया कि जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हैं अगर वो भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंडियन स्टार्टअप कंपनीज में जो कि अनलिस्टेड हैं, ठीक है, तो उस पर भी टैक्स इम्पोज किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से इतनी इन्फॉर्मेशन सफिशियंट है, बस कम से कम आप इतना याद रखना एंजल टैक्स है क्या और इस बार इसको खत्म कर दिया गया। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग, जय हिंद।